हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी सी हेयर स्टाइल जिसे आप तीज पूजा त्योहार में भी कर सकते हैं और ये स्पेशली है दिवाली के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बालों को अच्छी तरह से सुलझा लेना है, बाल बिल्कुल भी उलझे ना रहें। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ बीच से थोड़े से बाल सामने के आधे निकाल लिए हैं दोनों साइड से। आप कोई पतली कंघी लेकर भी निकाल सकते हो, मैंने ऐसे सिंपल सी कंघी लेकर के निकाल लिया है। और पीछे के बालों को मैंने क्लचर लगा करके अभी बांध लिया है। सामने बैक के बालों में थोड़ा सा कंघी करते हुए हमें इस तरह की कोई भी ब्रश ले सकते हैं, या फिर आप काजल या फिर कोई पेन वगैरह लेकर के इस तरह से आपको रोल करना है बालों को, या फिर आप उंगली से भी रोल कर सकते हैं। आपको जैसे भी सही लगे आप कर सकते हो रोल। फिर इस तरह से हमें बालों को थोड़ा सा खींचते हुए सामने से पीछे के साइड लेके जाना है और हेयर पिन से हमें बालों को अटैच कर लेना है। 2 से 3 पिन लगा लें तभी बाल अच्छे से लगे रहेंगे, नहीं तो बार बार बाल निकलने लगेंगे। अगर आपको थोड़ा सा सामने से उठा हुआ हेयर स्टाइल पसंद है, थोड़ा सा ऐसे उंगलियों से पकड़ करके बाल पीछे साइड कर लें। दूसरे साइड का भी मैंने इस तरह से ब्रश को फंसा करके इसी तरह से रोल कर लिया है। अब मैंने पीछे के बालों को खोल लिया है और सारे बालों को पीछे अच्छे से पकड़ते हुए एक बार कंघी करते हुए बालों को, और पीछे हमें रबर बैंड लगा देना है। दो बार मैंने रबर बैंड को बालों में फोल्ड कर दिया है। ना ही बहुत ज़्यादा ढीला और ना ही बहुत टाइट, इस तरह से फिर मैंने जूड़ा बन लगा लिया है बालों में। इस तरह से फंसा के रखना है, अभी इस पर कुछ भी नहीं लगाना है। फिर बालों को 2 पार्ट में इस तरह से हमें लेफ्ट और राइट में ऐसे कर लेना है, या फिर ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। बालों में थोड़ा सा कंघी घुमाते हुए बालों को अच्छी तरह से जूड़ा बन के ऊपर हमें इस तरह से सेट करना है। एक बार कंघी से हमें इस तरह से बालों को अच्छी तरह सेट कर लेना है। फिर इस पे मैं लगा रही हूँ फिर से एक रबड़ बैंड। फिर सारे बालों को पीछे, हमने साइड में हमारे बाल हैं उसको साइड से मैंने किनारे कर लिए हैं। बालों को धीरे धीरे आराम से सारे बाल जो पीछे साइड हैं, आगे साइड हैं, उनको सबको पीछे साइड करके हमें जूड़े के ऊपर ही फोल्ड करना है, इस तरह से जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह बालों को फोल्ड करते हुए हमें जूड़ा पिन बालों पे लगानी है जिससे हमारा जूड़ा अच्छी तरह से हो जाए, बन जाएगा और हमारे बाल भी नहीं निकलेंगे। इस तरह से चारों तरफ हमें जूड़े के जूड़ा पिन लगा लेनी है। जूड़ा फिक्स हो गया है अच्छे से। अब मैं यहाँ पर फ्लावर ले रही हूँ, अगर आपके पास गजरा है तो आप गजरा भी लगा सकते हो। मैंने फ्लावर से ही बालों पे गजरा बना लिया है। इस तरह से मैंने पहले फ्लावर को फंसा लिया है। फिर इस तरह से फ्लावर पे थोड़ा सा अटैच करते हुए जूड़ा पिन फंसा लेना जिससे फ्लावर बार बार गिरेंगे नहीं। इस तरह से मेरा जूड़ा बन करके तैयार हो चुका है। मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ इस तरह से।
जुड़ा परफेक्टली आप अपने से बना सकते हैं। अगर आप यहाँ बीच में भी फूल लगाना चाहते हैं, एक जुड़ा पिन अटैच करके लगा सकते हो। मैं अभी यहाँ पर नहीं लगा रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।